नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 और 10 मई की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, से के साथ बात करते हैं अष्टमी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी खास बना सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पहले जानते हैं इन दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले 9 मई की बात करें तो दोस्तों, इन दिन रविवार का दिन होगा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और इस दिन जो नक्षत्र है वो रेवती नाम का नक्षत्र रहेगा। जी दोस्तों, पूरे दिन रेवती नाम का नक्षत्र रहेगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी स्थितियां लेकर आने वाले हैं। प्रीति नामक शुभ योग भी इस दिन रहने वाले हैं और साथ ही आयुष्मान नाम के भी योग रहेगा जो कि आपके दिन को और भी 4 चांद लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों, राहुकाल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, यश में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा शाम के 5:16 से लेकर शाम के 6:54 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मीन राशि के उपरांत मेष राशि में संचार करेंगे। वहीं दोस्तों, 10 मई की बात करें तो सोमवार का दिन होगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी और इस दिन अश्विनी नाम का नक्षत्र रहेगा। जी दोस्तों, और आयुष्मान नाम के योग के बाद इस दिन जो योग है सौभाग्य नाम का योग रहेगा। दोस्तों, ये दोनों ही दिन जो योग है बहुत ही लाभकारी योग है, इनमें आपको अच्छी अच्छी सफलताएं मिल सकती है, परंतु आपको सावधानियां भी रखनी होंगी। राहुकाल के समय दिन सुबह के 7:29 से लेकर सुबह के 9:07 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मेष राशि पर ही संचार करेंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में माता पिता से संबंध तथा माता पिता से सहयोग जो है समय के अनुसार प्राप्त होगा। वही दोस्तों, यश में इष्ट मित्रों का भी सहयोग आपको समय के अनुसार प्राप्त होगा तथा धन अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए जो भी आपके प्रयास हैं यश में सफल हो सकते हैं। सगे संबंधियों से जो है संबंध आपका यश में अच्छा रहने की संभावना है। वही दोस्तों, नेगेटिव की अगर बात करें तो आपको शारीरिक व मानसिक तौर पर तनाव महसूस हो सकता है। आप मानसिक तौर पर बेचैन महसूस करेंगे। इसका प्रभाव जो है आपके करियर व फिर परीक्षा संबंधी मामलों पर पड़ सकता है। दोस्तों, यश में केतु जो है आपको प्रभावित करेंगे। आपको वित्तीय नुकसान भी यश में सहना पड़ सकता है। दोस्तों, इन दिनों में आपका जो है पूरा फोकस अपने लक्ष्यों पर आपको रखना होगा। थोड़ी भी चूक आपको भारी नुकसान दे सकती है। दोस्तों, आपको कुछ मामलों में अपने बॉस से तारीफ भी इसमें मिलेगी। अपनी बात रखने और अपने आइडिया शेयर करने की आपकी कुशलता का आपको बहुत अच्छा फायदा भी इसमें मिलेगा। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो आपको इसमें नौकरी में अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो है सावधान रहना होगा। लापरवाही आपको अपमानित भी करा सकती है। दोस्तों, इन चीज़ों का आप यश में ध्यान रखें। दोस्तों, यश में आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्य व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें, जिससे जो है आपको समय के अनुसार अच्छी कामयाबी भी यश में प्राप्त हो सके। दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, विवाह में विलम्ब होगा, प्रेम संबंधों में औपचारिकता रहेगी। दोस्तों, यश में वैवाहिक जीवन की परेशानी बनी रहेगी, सामंजस्य बनाकर चलने का आप यश में प्रयास करें। वैवाहिक जीवन कुछ असंतोष के साथ सुखद भी बनाए रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में ये जो समय है आप रोमांस के मूड में भी यश में रहेंगे। जीवन साथी को सरप्राइज देने के लिए भी यह समय जो है अनुकूल रहेगा। दोस्तों, यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको सेहत का पूरा साथ यश में मिलेगा। समय आपको कई तरह से हेल्थ में सुधार करने के मौके भी यश में देगा। दोस्तों, यदि आपको जो मधुमेह की बीमारी है तो यश में आप सावधानियां बरतें। वहीं दोस्तों, इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सिल्वर और भाग्यशाली अंक जो है वो रहेगा 2। वहीं दोस्तों, यश में आपको अपने उग्र मिजाज और वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी होगी। नए कार्य या फिर नए आयोजन हाथ में लेने के लिए ये जो दिन है आपके लिए अनुकूल नहीं है। दोस्तों, यश में क्रोधावेश में वाणी पर स्वयं न रहने से आप जो है अन्य लोगों की भावनाओं को चोट भी पहुंचा सकते हैं तथा उसका प्रभाव आपके संबंधों पर भी पड़ेगा।
दोस्तों यश में मन शांत रखने के लिए प्रार्थना, योग, ध्यान जैसे विषय सहायक होंगे आपके लिए। अर्थात दोस्तों ये दिन है आप सावधानी पूर्वक व्यतीत करने जैसा रहेगा। वह दोस्तों यश में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में दैनिक दिनचर्या आपको जो है व्यस्त रखेगी। यश में आप व्यस्त रह सकते हैं, हो सकता है आप कारोबार में यश में व्यस्त रहें, बहुत सारा काम आपके पास आ सकता है। दोस्तों यश में प्रमुख परियोजना के जो बारे में आप महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं, इसकी ज़रूरत भी होगी। दोस्तों आसपास के जो लोग हैं आप पर निर्भर भी रहेंगे यश में, इसलिए दोस्तों किसी भी निष्कर्ष पर आप आने से पहले मामले की पूरी तरह जांच कर लें, उसके बाद ही उस पर काम करें। दोस्तों गणेश जी का सुझाव है कि आप सही समय पर सही बात कहें। वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन को लेकर बात करें तो गणेश जी का विचार है कि दिल के मामले में आप होशियार रहना बेहतर रहेगा। दोस्तों गणेश जी कहते हैं कि यदि आप सदाबहार खुशी का आनंद लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपने शब्दों में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों एक बार अपने पीर की जीवन शैली को समझ जाने से आपका जो प्रेम जीवन है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यश में आप अपने वित्तीय फैसले को एकाएक नहीं लेंगे, अप्रत्याशित व्यय की अधिक संभावना रहेगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में मानसिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपकी जो मनोदशा है उसमें यश में फर्क आ सकता है, आप ठोस निर्णय लेकर अपनी बुरी आदतों से छुटकारा यश में पा सकते हैं। दोस्तों यश में उन भावनाओं को पहचाने जो आपको प्रेरित करती है, डर, शंका और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ें दोस्तों, क्योंकि ये विचार जो है उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं। दोस्तों यश में आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सलाह भी ले सकते हैं और दोस्तों उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। दोस्तों यश में अपने बच्चों को अपने उदार बर्ताव का बेचा फायदा न उठाने दें। दोस्तों यश में जो आपकी ऊर्जा का स्तर है ऊंचा रहेगा, क्योंकि आपकी पीढ़ी अपने लिए बहुत सारी खुशियों की वजह साबित होगा। ये जो दिन है दोस्तों आपका हालात जो है बेहतर होते हुए आप यश में महसूस करेंगे कि आपका जो हालात जो है पहले के तौर पर अभी कुछ अच्छी हो गई है। दोस्तों जिंदगी का स्वाद जो है स्वादिष्ट भोजन करने में ही है, यह बात यश में आपके जीवन पर आ सकती है, क्योंकि आपके घर में यश में स्वादिष्ट भोजन भी बन सकेंगे। दोस्तों यश में आप सफ़ेद संगमरमरी पत्थर पर सफ़ेद चंदन लगाकर जल प्रवाहित करने से आपका जो पारिवारिक जीवन है यश में और भी बेहतरीन रहेगा। दोस्तों यश में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि धन की देवी माता महालक्ष्मी को सफ़ेद वस्तु जिसे चावल और चावल का खीर व फिर दूध से निर्मित पकवान और मिठाइयों का भोग लगाने से दरिद्र व्यक्ति की भी धनवान बन जाता है। तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को कर सकते हैं, ये आपके लिए भाग्यशाली होंगे और इनसे आपके भविष्य में सभी लाभकारी स्थितियां बनने वाली है। और साथी दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।